आज हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ पोएट्री यानी कि कविता के अध्ययन के बारे में, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। ए स्टडी ऑफ पोएट्री इज ए क्रिटिकल एसे बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, यानी एक कविता का अध्ययन एक क्रिटिकल एसे है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा रचा गया है या लिखा गया है। इन दिस एसे, इस निबंध में अर्नोल्ड क्रिटिसाइजेज द आर्ट ऑफ पोएट्री। अर्नोल्ड ने जो है आलोचना किया है द आर्ट ऑफ पोएट्री यानी कविता के कला का, साथ ही साथ द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म और आर्ट का क्या क्रिटिसिज्म है उसके बारे में भी जो है अर्नोल्ड क्रिटिसाइज करते हैं। अर्नोल्ड बिलीव्स दैट, अर्नोल्ड विश्वास करते हैं कि द आर्ट ऑफ पोएट्री इज केपेबल ऑफ हाई डेस्टिनीज। आर्ट ऑफ पोएट्री जो है वह सक्षम है उच्च कोटि तक पहुँचने के लिए। इट इज़ द आर्ट इन विच द आइडिया इट्सेल्फ इज द फैक्ट। आर्ट में आइडिया स्वयं स्पष्ट हो जाता है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि वी शुड अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ पोएट्री, हमें पोएट्री के वर्थ को समझनी चाहिए। इट इज़ पोएट्री दैट शोज अस ए मिरर ऑफ लाइफ, या वही पोएट्री वह है जो हमें जीवन के आईने के बारे में दिखाता है। साइंस अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, अर्नोल्ड के अनुसार साइंस इनकम्प्लीट है विदाउट पोएट्री, बिना पोएट्री के। एंड रिलीजन एंड फिलोसफी विल गिव वे टू पोएट्री, यहाँ तक कि रिलीजन और फिलोसफी भी पोएट्री के का ही देन है। अर्नोल्ड टर्म्स पोएट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्नोल्ड ने टर्म यानी पद पोएट्री का एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ का क्रिटिसिज्म है, देयर बाय जिससे रिफ्यूटिंग द एक्विजिशन ऑफ प्लेटो एंड सेज दैट एज टाइम गोज ऑन मैन विल कंटिन्यू टू फाइंड कम्फर्ट एंड सॉलेस इन पोएट्री, यानी कि कविता के माध्यम से ही जो है मानव ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। अर्नोल्ड सेज दैट, अर्नोल्ड कहते हैं कि व्हेन वन रीड्स, जब कोई पढ़ता है पोएट्री को, ही टेंड्स टू एस्टिमेट वेदर इट इज ऑफ द बेस्ट, ही टेंड्स टू एस्टिमेट वेदर इट इज ऑफ द बेस्ट फॉर्म और नॉट इट हैपेंस इन देयर वेज। अर्थात कोई व्यक्ति जब कविता का अध्ययन करता है तो वह इस चीज़ को समझता है कि कविता किस तरह का है। द रियल एस्टिमेट यानी जो उसका रियल आकलन होता है वह पाठक ही करता है। एंड द पर्सनल एस्टिमेट, और साथ ही साथ पर्सनल एस्टिमेट को, इज एन अनबाइस्ड व्यू पॉइंट दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड द क्रिएटिव फैकल्टी टू जज द वर्थ ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री के माध्यम से जो क्रिएटिव फैकल्टी होता है उसको जज किया जाता है, साथ ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट को भी पोएट्री के माध्यम से ही जज किया जा सकता है। बट द रियल एस्टिमेट इज ऑफन सरपास्ड बाय द हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट, लेकिन वास्तविक आकलन अक्सर जो है उसको सरपेस्ट किया जाता है बाय द हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट, यानी ऐतिहासिक और व्यक्तिगत आकलन के जरिए। द हिस्ट्री हिस्टोरिक एस्टिमेट प्लेसेज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एबव द वैल्यू ऑफ द आर्ट इट्सेल्फ। हिस्टोरिक एस्टिमेट प्लेसेस यानी कि ऐतिहासिक आकलन प्लेसेस यानी स्थानकृत हो जाता है द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एबव द वैल्यू ऑफ द आर्ट यानी आर्ट की वैल्यू के ऊपर। द पर्सनल एस्टिमेट ऑन द अदर हैंड, जो व्यक्तिगत आकलन है दूसरी तरफ डिपेंड्स करता है ऑन द पर्सनल टेस्ट यानी व्यक्तिगत टेस्ट के ऊपर। द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द रीडर्स विच अफेक्ट हिज जजमेंट, जो कि जो रीडर पसंद करते हैं या जो नापसंद करते हैं वे उस पर इफेक्ट डालते हैं उसके जजमेंट का ऑफ पोएट्री यानी पोएट्री के जजमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ऐसा अर्नोल्ड कहते हैं। यहाँ तक कि अर्नोल्ड कहते हैं कि बोथ दिज एस्टिमेट टेंड टू बी फॉलिसियस, यानी कि ये दोनों जो एस्टिमेट्स होते हैं वे फॉलिसियस होते हैं। द हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट यानी ऐतिहासिक और व्यक्तिगत आकलन ऑफ एन
ओवर शैडो इज द रियल एस्टिमेट, यानी कि रियल आकलन को ढक देता है। बट अर्नोल्ड ऑल्सो सेज दैट, और अर्नोल्ड और भी कहते हैं कि दैट इट इज नेचुरल द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिक बैकग्राउंड, यह नेचुरल है द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिक बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझना ऑफ पोएट्री, पोएट्री का एंड इट्स डेवलपमेंट, और इसके विकास को अक्सर ऑफन लीड टू द क्रिटिक स्किपिंग ओवर द शॉर्ट कमिंग्स, यानी कि छोटे छोटे खामियों को जो क्रिटिक होते हैं वे स्किप कर देते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिक एस्टिमेट रेसेस पोएट्री ए हाई पेडेस्टल, हिस्टोरिक आकलन जो होता है वह कविता को एक उच्च सीढ़ी पर पहुंचाता है। एंड दस इस प्रकार हिंडर ऑन फ्रॉम नोटिसिंग इट्स वीकनेस, और यहाँ तक कि इसकी वीकनेस को भी वह छुपाता है। इट इज़ द हिस्टोरिक एस्टिमेट दैट लीड्स टू द क्रिएशन, इस प्रकार एक हिस्टोरिक एस्टिमेट जो कि लीड्स करता है टू द क्रिएशन, रचना को। क्लासिक एंड रेसेस द पोएट टू मैरली गॉड लाइक स्टैंडर्ड, यानी कि क्लासिक और एंड रेसेस द पोएट, पोएट यानी जो क्लासिक पोएट होते हैं वे क्या करते हैं कि गॉड की तुलना कविता से करते हैं। अर्नोल्ड सेज दैट, अर्नोल्ड कहते हैं कि इफ़ ए पोएट इज ट्रूली ए क्लासिक, या तो एक कवि पूर्णतया क्लासिक होते हैं अपनी कविता से, विल गिव देख देते हुए द रीडर्स रियल प्लेजर, और रीडर्स जो है रियल प्लेजर पाते हैं, एंड इनेबल हिम टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, और यहाँ तक कि वे इनेबल होते हैं उससे टू कंपेयर करने के लिए स्वयं को और अपने विरोधाभास को। अदर पोएट्री विच आर नॉट ऑफ द सेम हाई स्टैंडर्ड, अन्य कविताएँ उस तरह की हाई स्टैंडर्ड को प्राप्त नहीं करता है। दिस अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, इसके अनुसार अर्नोल्ड कहते हैं कि द रियल एस्टिमेट ऑफ पोएट्री, जो कविता का सही आकलन होता है, दस अर्नोल्ड अपील्स, यहाँ तक कि अर्नोल्ड अपील्स करते हैं टू हिज रीडर्स, अपने पाठकों को, टू रीड क्लासिक, यानी वह क्लासिक को पढ़े, विथ एन ओपन आई, खुली आंखों से, एंड नॉट बी ब्लाइंड टू इट्स फॉल्ट्स, न कि इसके फॉल्ट्स पर अंधे होकर विश्वास कर ले। दिस विल इनेबल वन टू रेट पोएट्री विथ इट्स प्रॉपर वैल्यू, कविता की वैल्यू को प्रॉपरली रूप से समझे। अर्नोल्ड हियर स्पीक्स, यहाँ पर अर्नोल्ड कहते हैं कि अबाउट द आइडिया ऑफ इमिटेशंस, जो कल्पना है आइडिया का के बारे में, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि वाट एवर वन रीड्स और नोज कीप्स ऑन कमिंग बैक टू हिम, वाट एवर वन रीड्स, कोई जब कोई पढ़ता है या जो जानता है तो वह रखता है अपने उसको बैक टू हिम, अपने ऊपर। दस इस प्रकार इफ़ ए पोइट वॉन्ट टू रीच, यदि एक कवि पहुंचना चाहता है द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द क्लासिक, यानी कि हाई स्टैंडर्ड को प्राप्त करना चाहता है क्लासिक कविता में, ही माइट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इमिटेट दैम, उसे जो है माइट कॉन्शियसली यानी कि बहुत ही कॉन्सनट्रेट होकर और या अनकॉन्शियसली और बिना कॉन्सनट्रेट हुए वो इमिटेट करे उसे। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर क्रिटिक, यह जो है क्रिटिकों के लिए भी बिल्कुल सत्य है। हु टेंड टू रिवर्ट टू द हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट, जो कि हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट को रिवर्ट करे, अर्थात उसका आकलन करे, इंस्टीड ऑफ एन अनबाइस्ड रियल एस्टिमेट, यहाँ ना कि जो है वह रियल एस्टिमेट को दबा दे। द हिस्टोरिक एस्टिमेट अफेक्ट द, यानी कि हिस्टोरिक एस्टिमेट जो है इफेक्ट करता है द स्टडी ऑफ एनिशियंट पोइट्स, यानी कि एनिशियंट पोइट्स के स्टडी को, वाइल जबकि द पर्सनल एस्टिमेट अफेक्ट द स्टडी ऑफ मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पोइट्स, और जबकि व्यक्तिगत आकलन जो होता है वह अफेक्ट करता है द स्टडी ऑफ मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पोइट्स, यानी कि आधुनिक और समकालिक कवि का। अर्नोल्ड परपसेस द टच स्टोन मेथड, अर्नोल्ड का उद्देश्य है कि टच स्टोन मेथड को वे अपनाना चाहते हैं ऑफ एनालाइजिंग पोएट्री, पोएट्री को एनालाइजिंग करने के लिए, एक क्रम में टू डिफर माइन वेदर इट इज ए हाई स्टैंडर्ड, यह
होता है एक उच्च कोटि का और नहीं भी। ही बोरोज वह उधार मतलब जो वे लेते हैं इस मेथड को फ्रॉम लॉन्जाइनस से। हुसेड वे कहते हैं कि इन आइडिया उसके विचार में ऑफ द सबलाइम यानी उत्कृष्ट काव्य दैट इफ मानो ए सर्टन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमिटी एक निश्चित उदाहरण है सब्लिमिटी का। कैन प्लीज एनी वन रिगार्डलेस ऑफ हैबिट्स टेस्ट और एज कैन प्लेस एट ऑल यानी कि उसके अनुसार वे कहते हैं कि सब्लिमिटी जो है वह मानव को उसके अकॉर्डिंग उसके हैबिट और टेस्ट को जो है एक नया प्लेस करता है खुश करता है। टाइम्स देन इट कैन बी कंसिडर्ड यानी यह विचारणीय हो सकता है एज ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द सबलाइम यह ट्रू एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम यानी सबलाइम के ट्रू एग्जाम्पल के लिए यह विचारणीय हो सकता है या यह कंसिडरेबल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।